Pagman? क्यों नहीं खोल रहे? बस चाबी है। जनकपुरी से बोल रहा हूँ, एक बार यहाँ आ जाइए, मेरे भाई को कुछ हो गया है, जल्दी आइए प्लीज। हाँ जी मैं ले गया था, आइए आइए, देखिए जरा मेरे भाई को क्या हो गया। हेलो पुलिस स्टेशन, आइए आइए आइए। हाँ मैंने किया, क्या हुआ? कैसे हुआ सीन, कुछ पता है रात को? मुझे नहीं पता, मैं यहाँ था नहीं, कल इसका बर्थडे था। बर्थडे था? आप लोग एक बार ना सैड आ, मेरा भाई नहीं बन सकता। अरे आप लोग सैड को आइए भैया, हमें फोटो लेनी है ना, एक बार आ जाइए सैड ना। इसका जरूर किसी ने मर्डर किया है। कोई कैमरा भी लगा हुआ है यहाँ पे? हाँ कैमरा नीचे डोर पे लगा हुआ है, मेन डोर पे बाहर लगा हुआ है। बर्थडे पार्टी में नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने था नहीं। मैं एक बार फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुला लेता हूँ। जी बिल्कुल जी। हाँ हेलो, हाँ सर मैं एएसआई बोल रहा था, राजबीर। हाँ सर एक बार जनकपुरी में एक ये, हाँ हाँ सर मर्डर हो गया है, आ जाएंगे सर एक बार आप अभी? हाँ हाँ सर इसी, मैं एड्रेस बता रहा हूँ, जनकपुरी का है सर, सी ब्लॉक में। ठीक है सर आ जाइए। ओके सर। और ये फोन किसका है? ये सर इसी का है, मेरे भाई का ही। फ्रेंड वगैरह है साथ में, काफी लोग हैं, तो बर्थडे पार्टी का लग रहा है। सर बर्थडे पार्टी होगी मुझे पता नहीं, मैं घर में और कोई भी नहीं था? जी नहीं सर। ये देखो डांस चल रहा है सब। ओके ओके काफी पार्टी हो गई, चलो इसको चेक करते हैं। अभी वो फ्रंट के एक्सपर्ट वाले आ रहे हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल, उसके बाद देख लेते हैं क्या होता है। जरूर मर्डर किया है किसी ने, ऐसे नहीं बन सकता मेरा भाई। आप पोस्टमार्टम में भी पता चल जाएगा, आपको तसल्ली कराएंगे ना।
मैडम मैं थाने से आया हूँ आप जानते हैं कुछ पता है आपको क्या हुआ रात में? उतना आइडिया नहीं है लेकिन आप बाहर आ गए उतना आइडिया नहीं लेकिन कल बहुत जन आए थे यहाँ पे पार्टी वार्टी जैसे पूरा शोर आ रहा था ये कब आया कल की बात है कल शाम के बाद अच्छा अच्छा एक्चुअली में क्या है ना अभी उस लड़के का क्या है मर्डर हो गया हाँ तो मुझे ना आपसे दो चार बातें पूछनी है ठीक है जी इन्वेस्टिगेशन के लिए कितने लोग बता रहे हो आप सैंपल छः सात लोग हैं एक टाइम बता दो थोड़ा टाइम क्या टाइम का शाम छः सात के बाद ही था कितने साल से रह रहे हो आप ये कितने साल से पड़ोसी हो अभी तकरीबन 1.5 साल हो गए तो इनके घर में और कौन कौन है जो बीकर्स बड़े भैया आते जाते रहते थे बाकी उतना आइडिया नहीं है बड़े भैया नहीं थे इनके रात पता है आपको नाम कौन है चलो अभी अगर जरूरत पड़ी तो ना आपको एक बार थाने आना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए बाकी थैंक यू मैडम हेलो हाँ सर आ गया हाँ 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 सर आ गया हाँ सर आपको पार्टी हुई है बता दें कि भाई अभी करते हैं एविडेंसेस कलेक्ट सीज कर रहे हैं आप बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो
पता चला उस वाले केस का जो अभी आपका सैंपल वगैरह जो है लेकर आए हैं वो भी टेस्टिंग चल रही है जी, और अभी उसमें एक हफ्ते का टाइम और लगेगा जी। जब तक आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वगैरह आपका वो हो गया रेडी? हाँ, पोस्टमार्टम में तो सर उसका दम घुटने से बता रहे हैं। अच्छा, दम घुटा है। अच्छा तो ठीक है, अभी यहाँ पे जो ब्लड सैंपल हमारे पास आए हैं और एमरजेंसीज है उसका भी हम एनालिसिस करते हैं और आपको हफ्ते भर में रिपोर्ट मिल जाएगी। तब तक आपने सीसीटीवी फुटेज और जो उसको ब्रदर वगैरह या और किसी से इंक्वायरी वगैरह किया? हाँ सर, मैंने किया है, सीसीटीवी फुटेज मैंने देखा है। तो उसमें जो लास्ट वो एक लड़का गया सबसे लास्ट में, ये चार पांच लोगों की है ना पार्टी हुई है। अच्छा, बड़े पार्टी। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे लास्ट में एक लड़का गया है, ये मैं इसका लखन का मोबाइल भी है और सीसीटीवी फुटेज को मैंने मैच किया है, तो मैं इसके भाई को भी लेके आया, वो बाहर खड़ा है अपने। अच्छा, बुलाओ उसको भी। हाँ भाई अंदर आना जरा। हमने भाई वो सीसीटीवी फुटेज कैमरा देखा है ना जी सर, सबसे लास्ट में एक लड़का गया तो हम वेरीफाई करने के लिए बुलाया आपने आदेश में। थोड़ा पहचानो जरा कौन है ये लड़का, एक बार आप बता सकते हो? ये जो देखोगे जरा इसमें, जानते हो किसी किसी को? हाँ सर, ये सभी इसके फ्रेंड है। बस ये ना जो जो लड़का आखिरी में गया वो पूछो उस पहचान। ये इस लड़के को जानते हो? ये लड़का सबसे आखिरी में गया। अनबन हुई थी किसी लड़के को लेकर, बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं था। हो सकता है पुराना कोई बदलाव हो सर इसके बारे में, आप जांच कीजिए। चलो हम जांच कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं। तब तक आप इंस्पेक्टर साहब आप बात कीजिए ठीक है सर इस लड़के से सर, कि क्या इसका वो रहा है, इसने तो नहीं मर्डर किया है? ठीक है सर। ठीक है, आप मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दीजिए और बाकी हम हफ्ते भर में आपको रिपोर्ट देते हैं। ठीक है सर, ये मैं कल दे दूँ रिपोर्ट आपको? हाँ पोस्टमार्टम की, बिल्कुल बिल्कुल। लड़के को मैं बुलाना। ठीक है सर, थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम को तुम कहां गए? शाम 7 बजे। और कौन कौन था? सारे थे वहां पे? कितने बजे गए वहां से? झूठ मत बोला तुम। तुम किस टाइम गए? लास्ट में कौन गया था? अरे लास्ट में कौन गया था भाई? लास्ट में गया, तुम्हें पता है वहां क्या हो गया? पार्टी तो कभी से शुरू हुई है पर भाई, 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 भाई मेरी तो एंट्री नहीं हुई है। मैं तू मेरे यार तेरे फ्रेंड्स तेरी गर्लफ्रेंड तेरी एक्स तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए सारे जंगली इकट्ठे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज पिजामा पकड़ के बैठे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज तो पार्टी जब तक फटे, नाच पिजामा पकड़ के बैठे। एक और साल पुरानी हो गई तेरी अलग जवानी, सानू आंदा नहीं प्यार नाप तोल के, कंडा कड्डी दा स्पीकरां ते बोल के, सानू आंदा नहीं प्यार नाप तोल के, कंडा कड्डी दा स्पीकरां ते बोल के, लै के जुत्ती थल्ले जिंदगी दे बोझ नू खोल के, मिला के तीन पैग वाली है पैंदे पंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के, नी ला के तीन पैग वाली है पैंदे पंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के, नी ला के तीन पैग वाली है पैंदे पंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के।
रहन सीट थले नच दिया बोतल चार रखी दे गिलास बिच कच दे आरी पक्कियां दे नाल रूदारियां रंग बन तेरे काट दे सी टच दे मजा वखरा ही छट गई मशूक दा आउंदा यार ना पीती जी दुख बोल के नी लाके तिन पैग बल्ली पुलिस का काम है एविडेंस इकट्ठा करना, एविडेंस को बुला के उसको जांच पड़ताल करना कि हाँ भाई वो था या नहीं था। तो तुम सबसे लास्ट में कितने बजे गए? टाइम याद नहीं है। वो पता है वो बंदा जो लखन तुमने उसका मर्डर कर दिया? सर मैंने नहीं किया सर, सही में मैंने नहीं। झूठ मत बोलो तुम। सर सही में सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सही तुम वहाँ पे रात को थे। हाँ सर, और तुमने ही लखन को मारा है। नहीं सर मैंने मारा है इसी ने। सर आप प्लीज, ये पुलिस का काम है पूछना, आप वहाँ बैठिए प्लीज, आप बाहर बैठिए। तूने ही मारा है मेरे भाई। देख भाई सच सच बता दे, नहीं तो दो लगेंगे ना तो यहाँ पे ना मुर्दा भी जिंदे हो जाते हैं, तेरे को पता नहीं है? ये पुलिस थाना है, पुलिस थाना। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने ही किया है उसको, रात को तू गया, तू उसको मार के गया घर अपने। क्या दुश्मनी थी? नहीं सर कोई दुश्मनी नहीं सर, मेरा जिगरी है सर वो। सर सही में सर, कोई जिगरी नहीं है, मैंने फुटेज देख लिया है, मोबाइल मेरे पास है, ये मोबाइल है उस लड़के का मेरे पास है ये, ठीक है? इसमें ये फुटेज में मैंने देख लिया है, ये ला, ये पार्टी वार्टी हुई है तुम्हारी बर्थडे की, ठीक है? ये देखो ये सारा, ये सब कुछ मेरे पास है। अब तुम्हें कानून का फंदे से कोई नहीं बचा सकते, वो तुम्हारे गले के अंदर है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सही में बता रहा हूँ सर। अभी बता दो, अभी फोरेंसिक जो रिपोर्ट है वो भी बहुत जल्दी आने वाली है मेरे पास, है ना? ये कौन है? तुम ही हो ना? हाँ, तो सबसे लास्ट में तुम गए, तुमने उसका मर्डर किया है। बेस्ट केस सोल्व हो गया, अभी एक रिपोर्ट। सर, कुछ नहीं किया सर, सर सही में सर मुझे कोई फंसा रहा है सर। कौन फंसा रहा है भाई? सर मुझे नहीं पता। कोई नहीं फंसा रहा है सर, कोई नहीं है। मैं तुम्हारा है ना पूरा नाम बताओ, तुम्हारा एड्रेस बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेस है, ठीक है? तुमने अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में उस लड़के को मार दिया? नहीं सर, यही हुआ है वहाँ पे उस रात, यही हुआ है। क्यों मारा उसको? थाने में आके सब ऐसे ही बोलते हैं भाई, तू पहली बार आया है ना इसलिए तू ऐसे बोल रहा है। यहाँ जो आके चला गया ना वो दोबारा नहीं करेगा। सर मैं सही बोल रहा हूँ, तुम्हें कोई नहीं बता सकता फांसी के फंदे से। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। फादर करते हैं बिजनेस, मोबाइल नंबर आपका इसमें है, ठीक है? थैंक यू जी। तो सर क्या रहा एक हफ्ते का टाइम बीत जाने के बाद आपके पास कुछ? हमने तो ब्लड टेस्ट वगैरह किए हैं और उसमें तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग आई है। ओ, ये सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हाँ ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है सर, एक बार इसे देख लीजिए। तो इसमें तो किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, कोई चोट के निशान नहीं है। वही पॉइंट पे मैं भी ये सोच रहा हूँ कि किसी को नजायज ना फंस जाए कोई बंदा, क्योंकि दम। अच्छा, क्राइम सीन पे हमें एक अंगीठी भी मिली है,
जी जी जो रात में वहां लगाया गया है, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होती है वो उस अंगीठी की वजह से होता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो ब्लड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। तो कई बार क्या होता है, रात में अगर हम अंगीठी जला के सो जाते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करते हैं। ओके, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हमारे रिपोर्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड आया है जी, जो ब्लड सैंपल्स है, इसका मतलब है कि ये मर्डर नहीं है, ये उसकी डेथ हुई है एस्फिक्सिया ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि वो अंगीठी जला के सोया था उससे धुआं जो निकला था उससे हो गई है। पुलिस की एविडेंस में भी ऐसा कुछ मिला नहीं, क्योंकि सीटीसी जो सीसीटीवी फुटेज कैमरा है उसमें वो बंदा बाहर गया है, बट वो बंदा उसके बाद वो मिला है, क्योंकि उसने लॉक डोर को लॉक किया है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बंदा जो गया है बाहर वो उसके पास कोई किया। क्योंकि इन दोनों रिपोर्ट से बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि किसी दूसरे का मारने में कोई रोल नहीं रहा है। ओके, ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो लड़का बेगुनाह है, ठीक है, और उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है सर, तो आपकी रिपोर्ट और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हो गया, क्योंकि ये एक सिर्फ एक एक्सीडेंटल डेथ है जो कि अंगीठी जला के सोने की वजह से हो गया है। ठीक है, ये कंफर्म है। ठीक है, मैं इस पर अपनी रिपोर्ट दे देता हूँ कोर्ट को और निर्दोष को बता दे, आप अपनी रिपोर्ट अंदर जमा कर दीजिए। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है सर, देखा आपने, एक छोटी सी लापरवाही की वजह से किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी, और जिसने वो क्राइम नहीं किया या जिसकी जिसका उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसको भी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अंगीठी का इस्तेमाल बंद कमरे में ना करें, अगर कभी करें भी तो उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि काफ़ी लोगों की इस तरीके से सर्दी में डेथ हो रही है, कई बार लोग हीटर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो हो सकता है कि आपके कई करीबी जो या आपके जो खास लोग हैं उनकी जान बचाई जा सके। धन्यवाद।